वो जो 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 प्रधान है साइन मोहर जब किए हैं तभी तभी वो देख सकते हैं दर्शकों किस तरह से रो रहे हैं। एक भाई को इन्होंने खोया है, सोचिए। ये देखिए, कोई सुनने वाला नहीं है ऐसे लोगों का, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनके लिए खड़ा नहीं है आज के टाइम पर। देखिए ये रो रही है, पूरा घर रो रहा है, इधर दिखा दीजिए, ये रो रही है, पूरे बच्चे रो रहे हैं, छोटे छोटे, देखिए छोटा सा बच्चा है ये भी रो रहा है, ये महिला जो पीछे है, पूरा परिवार आज रो रहा है अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। क्योंकि जैसे ही इनके जो है भाई सुने कि यहाँ पर जो है पंचायत भवन बनेगा, यहाँ पर जो है कूड़ा घर बनेगा, वैसे ही सदमे में उनकी मौत हो गई। आप ही के पति का देहांत हो गया? हाँ, अंत हो गया हमारे पति का, यही जमीन के खातिर। अच्छा। यही जमीन के खातिर भैया उनको हेडक बन गया, एकदम ब्रेन हेमरेज हो गया। हाँ, तो खत्म हो गए। कुछ जमीन कब्जा किया प्रधान? कौन प्रधान जी? हाँ, बंजर। क्या प्रधान का क्या नाम है? मोहम्मद तुबलक। कहाँ प्रधान है ये? ये यही छलवेना का, आपके गांव के प्रधान। इनके ऊपर भी आप आरोप लगा रहे हैं? आप 14-20 जमीन कब्जा कर रखा है। अच्छा। खरीद करो कर बाहरी मुसलमानों को बसाता है। देख सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अगर यहाँ पर पंचायत भवन अगर बनाया जाएगा तो यहाँ पर तो भैया पेड़ों को भी काटा जाएगा। फिर इसका मतलब है हरे भरे पेड़ है, हरे भरे पेड़ों को भी काटा जाएगा, इसका मतलब है? दिखा दीजिए, क्या हरे भरे पेड़ों का काटना सही है, उचित है? आप बताइए दर्शकों, उचित है? यहाँ पर 6-6 पेड़, 7-7 पेड़ है, हरे भरे पेड़। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं आया हुआ हूँ नैनी थाना औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित छरिबना गांव में, और ये कौन सा अताल का पूरा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक जो है दलित परिवार, या फिर कह लीजिए अनुसूचित जाति से संबंधित, या फिर कह लीजिए हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर काफ़ी जो है चिंतित हैं, काफ़ी जो है इस वक्त दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं। इन्होंने हमको बताया, इन्होंने हमको बुलाया कि ऐसी ऐसी बात है, आप हमारी जो है आवाज़ उठाइए बड़े अधिकारियों तक, उच्च अधिकारियों तक। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी आखिर समस्या क्या है, आखिर कहना क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार नाम है। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि यहाँ का जो प्रधान है, हाँ, मोहम्मद तुगलक, हाँ, और वो जो है मुसलमान, हम हिंदू के नाते जो है हमारी ज़मीन 50 साल जो है तो हम उसका मुकदमा लड़े हैं। अच्छा, मुसलमान से ही। अच्छा, आज वो मौका पाया तो जो करीबियों से। हाँ नहीं, करीबियों, उनका परिवार ही था। अच्छा, उनके परिवार, उनके दादा थे। तो जो है वो जो है गलत ढंग से भूमि माफिया थे, तो हमारे ज़मीन जो मैं बंजर पर काबिज जो 524 में मेरा मकान, परिवार का जो व्यक्ति था वो, हाँ, भूमि माफिया है। तो वो जो है 525 रोड के उस पार की ज़मीन को जो है वो अपना किसी ढंग से 526 को ला करके यहाँ कर दिया, जो कि मेरा यहाँ बाग है महुए का और मेरा मकान भी है। इसका जो है दीवानी भी मुकदमा चला, उन्होंने हम दीवानी में ये जो है साबित किए कि ये लोग 7 कमरे तामीर कर लिए 525 पर, और जो है ये सो खिला भी लिखा, और वो मुकदमा चला। फिर जो है डी एम सिटी में मुकदमा चल रहा है, अभी ये मुकदमा चल भी रहा है, लेकिन जो है ये यहाँ जो है जो ये इनका खतौनी नाम होने के कारण है, ये जो है यादव के साथ जो है, यादव क्या नाम था, मिठूलाल यादव को जो है इन्होंने बेच डाला। हाँ, इस तरीके से वो भूमि माफिया कितनी ये जो है काफ़ी ज़मीन बेचा है, खरीद फरोख किया है। हाँ, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपका 40 साल से कब्जा है, ये हमारा कम से कम 2-3 पीढ़ी से कब्जा है, 2-3 पीढ़ी से कब्जा है। ये दिखा दीजिए दर्शकों, यहाँ पर जो है ये महुआ का पेड़ है, और एक महुआ का पेड़ नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 महुआ का पेड़ है, एक नीम का पेड़ है, और आप देख सकते हैं 6 महुआ का पेड़ है, शायद 6 महुआ का पेड़ है। ये भी अभी सूखा, ये आम का है कि महुआ का है? ये महुआ का ये भी है, अभी तक ये सूखा नहीं है। और सोचिए कि ये लोग इतने साल से इन पेड़ों को बड़ा किए और कहीं ना कहीं फल फूल भी खाए, फल भी खाए, और आज इनको पता चल रहा है कि इस ज़मीन पर क्या कराने के लिए बोल रहे हैं। ज़मीन पर, इस ज़मीन पर गांव प्रधान जो है कूड़ा घर और पंचायत भवन बनाने के लिए। अच्छा। उन्होंने जो है
प्रस्ताव करके भेज दिया ब्लॉक करछना तहसील नेकपाल के पास और कानूगो के पास। वो लोग सब आए कई बार और प्रधान भैया हमारे इसको मना करने की कोशिश किए तो उन्होंने भैया को प्रदान किया धमकी सट के दिया जो कि 3-4 दिन हुआ एक्सपायर कर गए। ब्रेन हैमरेज हो गया। ब्रेन हैमरेज ये मतलब ये सुन करके कि यहाँ पर जो है सचिवालय बनेगा वो पंचायत भवन बनेगा पंचायत भवन बनेगा और क्या कहते हैं और वो ले हाँ तो ये सुनते ही उनको ब्रेन हैमरेज हाँ मर गए 4 दिन हुआ। देख सकते हैं दर्शकों उनको जो है इनके भाई है सगे भाई हैं ये सुनते ही जो है उनको ब्रेन हैमरेज हो गया इनके कहने के मुताबिक। ये मैं नहीं बोल रहा इनके कहने के मुताबिक। और आप सोचिए कि जब किसी का दो तीन पीढ़ी से जब किसी का कब्जा रहेगा और वो सुनेगा कि हमारी ज़मीन पर जिस पे मेरी कब्जा है दो तीन पीढ़ी से उस पर क्या कहते हैं पंचायत भवन बनेगा कूड़ा घर बनेगा तो जाहिर सी बात है उसके दिल पर कहीं ना कहीं बहुत बुरा सदमा होगा। और आप ये देखिए दर्शकों ये जो रामपुर वाला जो ओवर ब्रिज है आप देख सकते हैं ओवर ब्रिज है उसी के जस्ट बगल में इनका ये ज़मीन है और ये रास्ता देख सकते हैं ये रास्ता डायरेक्ट उधर जाता है उसी रास्ते से ही जुड़ा हुआ है। और जैसे ही इनका कहना यह है कि जैसे ही ये खबर इनके भाई सुने वैसे ही उनको ब्रेन हैमरेज हुआ और मृत्यु हो गई बुरा सदमा लगा और मृत्यु हो गई। आइए महिलाओं से बात करते हैं क्या कहेंगी। आप ही के पति का देहांत हो गया अंत हो गया हमारे पति का यही जमीन के खातिर। अच्छा यही जमीन के खातिर भैया उनको हेडक बन गया एकदम ब्रेन हैमरेज हो गया हाँ तो खत्म हो गए। अच्छा, घर पे नहीं आए डॉक्टर ही मिले कि हम लोग दिन हुआ है 4-5 दिन हुआ है आज। अच्छा सिर्फ 5 ही दिन हुआ अभी 5वां दिन हाँ इस बार 5 दिन हुआ। देख सकते हैं साहब एक व्यक्ति की यहाँ पर कहीं ना कहीं बुरा सदमा एक व्यक्ति को लगा और उसकी मृत्यु हो गई। वो जैसे ही सुना कि उसके जमीन पर पंचायत भवन बनेगा और कूड़ा घर बनेगा। अच्छा ये बताइए आपसे एक सवाल है दर्शकों क्या इस तरह का घर है और इस तरह का जो है लोग हैं आसपास में बस्ती है वहाँ पर कूड़ा घर बनना चाहिए? अगर कूड़ा घर वहाँ पर बनता है तो जो गंदगी होगी जो बास निकलेगा कीटाणु निकलेंगे तो उससे आसपास के लोग बीमार नहीं होंगे? और अगर बीमार होंगे तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहाँ पर कूड़ा घर बनवाने वाला जिम्मेदार नहीं होगा? वहाँ पर अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे जो वहाँ पर कूड़ा घर को पास किए हैं अनुमति दिए हैं? बड़ा सवाल है ये। अगर किसी की जमीन 40 साल से कब्जा है दो तीन पीढ़ी से है तो वहाँ पर ऐसा होना चाहिए उसको तो बुरा सदमा लगेगा ही। अच्छा बताइए क्या यहाँ पर और ज़मीनें नहीं है ग्राम पंचायत की? ये जो सुनिए हम बता रहे हैं यहाँ 889 का जो है 1 बीघा 13 बिस्वा कुल जमीन है और इस तरफ जो है हड़ावर है हम जो 2 बिस्वा और जो है इस जो पंचायत भवन है इसका जो है प्रस्ताव क्या है? खतौनी पे 316 पर छबिना गांव में हुआ है याताल के पूरा में लोग जबरदस्ती यहाँ मतलब अपना जाति दुश्मनी निकाल रहे हैं। अच्छा अच्छा जाति दुश्मनी निकाल रहे हैं और धमकी सटकी दे रहे हैं गाली बक रहे हैं। रोइए ना आपके साथ न्याय होगा कहीं ना कहीं। मतलब इसके अलावा भी जमीन और जगह है जो इस तरह से प्रस्तावित हुआ है खतौनी में दर्ज है प्रस्तावित भी हुआ है हाँ तो भी उसको वहाँ पर नहीं बनवा रहे यहाँ बनवा रहे हैं वहाँ पर कूड़ा घर पंचायत भवन नहीं बन रहा है यहाँ जो लेकिन यहाँ पर बन रहा है क्योंकि आप लोगों का यहाँ पर गांव प्रधान जो प्रस्ताव किया है वो इस जमीन का प्रस्ताव किया है और दूसरे गाँव के लोगों से साइन करवाया जो कि गाँव के लोगों से साइन होना चाहिए गाँव के लोग नहीं साइन के दूसरे ही कराया साइन। अच्छा सच बड़ा गलत ही काम किया है वो आप लोगों ने भी इनको वोट दिया था हाँ हमारे घोड़े के कुरान शरीफ उठा रहा था कि हम कोई कुरान शरीफ उठाए थे तुम्हारा ये मुकदमा ये तुम लोग जमीन हम हला भला करा देंगे फैसला करा देंगे। अच्छा अच्छा मुसलमान हाँ जीतते ही हाँ फैसला करा देंगे और तुम लोगों की जमीन जीत गए तो यहाँ पंचायत भवन कूड़ा घर बना रहे हैं। देख सकते हैं साहब इस तरह से सिस्टम हो रहा है। सोचिए जो प्रधान जी वादा किए थे इनसे ऐसा वही प्रधान जी आज कहीं ना कहीं इन्हीं के कब्जे वाली जमीन पर पंचायत भवन और जो है कूड़ा घर बनवाने की बात कर रहे हैं। आपके पति खत्म हो गए ये खबर सुनते ही कि यहाँ पर जो है पंचायत भवन बनेगा और जो है कूड़ा घर बनेगा हाँ। तो आपके पति का एक्सपायर हो गया आपके पति ठीक है ब्रेन हैमरेज हो गया हाँ। उनको आपके मुताबिक हाँ, ठीक है तो आपके बच्चे कितने हैं? वो इनका नाम है तुबलक नरियात रहे वहाँ पे डॉक्टर में तुबलक के छोड़ना नहीं। अच्छा, वो ऐसा काम किया अच्छा, है वो मरने से पहले बोले हाँ बोले देख सकते हैं। अच्छा रिकॉर्डिंग भी है बोले हैं
दिक्कत हो गई है, ठीक करा तो छोड़ दिया, वो कहना आप यार करो ठीक ठीक है बोलो गिरा दो जिला प्रधान अरे जमीन टेंशन ना लें सर, जमीन आ जाएगा, आप ठीक हो जाए जमीन मिल जाएगा, समझे। तो बोला कि बच्चे कितने हैं आपके? हमारे 7 बच्चे हैं, 4 लड़कियां हैं, 3 बच्चे लड़के हैं। अच्छा अच्छा, तो 3 बिना शादी शुदा है और तो 3 लड़कियां शादी की हैं, 1 लड़के के साथ। मतलब देखिए बच्चों के, पूरे बच्चों की शादी भी नहीं कर पाए और वो एक्सपायर हो गए, उन बच्चों को कौन देखेगा, उन बच्चों का शादी विवाह का जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा। पिता तो नहीं रहा, पिता को बुरा सदमा लगा और मौत हो गई तो वो तो नहीं रहा, उन बच्चों का देखभाल आखिर कौन करेगा। इस तरह से आप सोचिए दर्शकों, ऐसा मामला आता है जहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि हैं वही ऐसे अपने अपने ग्राम सभा के लोगों के साथ अगर ऐसे कर रहे हैं तो क्या ये निंदनीय बात नहीं है? बताइए। मेरी माँ खत्म हुई 20-25 दिन पहले, मेरी माँ खत्म हुई 20-25 दिन पहले इनकी माँ खत्म हुई, और क्या कहते हैं 15 दिन बाद ही इनके जो है भाई भी खत्म हो गए। भाई भी खत्म हो गए और ये लोग जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, वही जमीन बचाने के लिए। कानूनगो आया था, वो कह रहा था इनकी जाति ऐसी है, इनको मारने भी शर्म आता है, कोई बात है आपको बोल रहे? हाँ अधिकारी, कोई बात है इसे कहना चाहिए, देख सकती है हाँ कि इनको कहें कि ये ऐसी जात ही है कि ना मारने से सुधरेंगे ना पीटने से सुधरेंगे। मतलब आप चमार जाति के लोग हैं तो आपको ऐसे बोल रहे हैं? हाँ ऐसी है, इसलिए हम लोग को परेशान किया जा रहा है। हाँ हम लोग ऐसे इसलिए परेशान नहीं, जहाँ पे निश्चित हुआ है वो ब्राह्मण की जमीन, लेकिन वहाँ हिम्मत नहीं है कि जाके जिला पंचायत या कूड़ा घर बनवा लो। जहाँ पर बनने के लिए जो है भूमि चिन्हित की गई है वहाँ पर ब्राह्मण का कब्जा है, तो वहाँ पर लेकिन कब्जा भी नहीं, लेकिन डर के मारे जाते पर भी वहाँ पर बनवा नहीं रहे। नहीं नहीं, लेकिन नजर इस जमीन पर जबरदस्ती देख सकते हैं, गरीब जान के एससी हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे ये लोग। अच्छा, इसलिए हम लोग को परेशान किया जा रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चियां हैं, आ जाइए आप लोग भी, आ जाइए आइए आइए आप लोग भी आइए, आप लोगों से भी बात करेंगे, बच्चियों से भी बात करेंगे। इधर से पास लीजिएगा, क्या नाम है आपका? सुष्मिता। क्या कहेंगी जिस तरह से ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगी जो है बड़े अधिकारियों से, मुख्यमंत्री जी से क्या न्याय की गुहार लगाएंगे, किस तरह से? ये गलत है, यहाँ घर में घर के पास नहीं बनना चाहिए कूड़ा घर। हाँ ये गलत है, ये गलत है क्योंकि आप लोगों का यहाँ पर पेड़ है, हरे भरे पेड़ है, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है अगर यहाँ पर पंचायत भवन अगर बनाया जाएगा तो यहाँ पर तो भैया पेड़ों को भी काटा जाएगा, फिर इसका मतलब है हरे भरे पेड़ है, हरे भरे पेड़ों को भी काटा जाएगा, इसका मतलब है दिखा दीजिए क्या हरे भरे पेड़ों का काटना सही है, उचित है, आप बताइए दर्शकों, उचित है? यहाँ पर 6-6 पेड़ 7-7 पेड़ है, हरे भरे पेड़, क्या इन पेड़ों का कहीं ना कहीं हत्या करना सही है? जिस तरह से यहाँ पर जो है इस जमीन को चुना गया, क्या और जमीन को नहीं चुना जाना चाहिए था? आइए क्या बोलेंगी प्रधानमंत्री, बोलिए बोलिए क्या बोल रही थी? तो मतलब यहाँ पर जो भी चीजें हैं यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कहीं और जमीन जहाँ चिन्हित हुई है वहीं पर बनवाना, वहीं होना चाहिए, 316 में होना, 316 नंबर जमीन पर जो है चिन्हित हुआ है कूड़ा घर और जो है पंचायत भवन, तो वहीं पर बनना चाहिए। यस सर। क्या नाम है आपका? श्रेया। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि इस जमीन की वजह से हमारे ताऊजी की डेथ हो गई। अच्छा अच्छा। और ये बहुत गलत बात है जो हम अपनी जमीन लेकर रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का कहीं ना कहीं जो है पूर्वजों से जो है जो पूर्वज रहे हैं उनका इस जमीन पर उठना बैठना रहा है, ये बड़े ये पेड़ विशाल का उन्होंने ही लगाया था, हम लोग का बचपन भी यहीं बीता है, ये हम लोग का है। क्या कहेंगी आप? ये यहाँ पे ये नहीं बनना चाहिए क्योंकि हम लोग की जमीन है और हम लोग बहुत सालों से यहाँ लड़ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे और हम लोग के ताऊजी की डेथ होगी सिर्फ इसकी वजह से, इसी जमीन की वजह से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जमीन के जमीन पर जो है पेड़ वगैरह वही लगाए हुए थे। हाँ। तो देख सकते हैं ये बच्चे हैं और इस तरह से इनका अपना जो है वो है, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। क्या कहेंगे आप? इसी जमीन खात इसी जमीन कारण हमारे भैया की डेथ हुई है। अच्छा, भैया मर गए? वो जो 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 प्रधान है साइन मोहर जब किए ना तभी तभी वो देख सकते हैं दर्शकों किस तरह से रो रहे हैं, एक भाई को इन्होंने खोया है, सोचिए, ये देखिए कोई सुनने वाला नहीं है ऐसे लोगों का, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनके लिए खड़ा नहीं है आज के टाइम पर। देखिए ये रो रही हैं, पूरा घर रो रहा है, इधर दिखा दीजिए ये रो रही हैं, पूरे बच्चे रो रहे हैं, छोटे छोटे देखिए छोटा सा बच्चा है ये भी रो रहा है, ये महिला जो पीछे है
पूरा परिवार आज रो रहा है अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, क्योंकि जैसे ही इनके जो है भाई सुने कि यहाँ पर जो है पंचायत भवन बनेगा, यहाँ पर जो है कूड़ा घर बनेगा, वैसे ही सदमे में उनकी मौत हो गई। 14 साल खुद जमीन कब्जा किया प्रधान। कौन प्रधान जी? हाँ बंजर। क्या प्रधान का क्या नाम है? मोहम्मद तुबलक। ये कहाँ के प्रधान है? ये यही छरबेना का, गांव के प्रधान। इनके ऊपर भी आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ, 14 साल जमीन कब्जा कर रखा है। अच्छा? खरीद फरोकर बाहरी मुसलमानों को बसाता है। देख सकते हैं ये क्या बोल रहे हैं, बाहरी मुसलमान को बसाता है, इलाहाबाद मुसलमान तक घुसाया यहाँ बुला बुला करके। देख सकते हैं आप, सोचिए इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, प्रधान जी के ऊपर ही आरोप लग रहा है यहाँ पर। गलत नहीं आरोप, नहीं सही बात है, उसको वेरिफिकेशन किया जाए, सही बात है तब। हाँ, कुल इसका 889 का जो रकबा है, 1 बीघा 13 बिस्वा है। हाँ। जिसमें से ये तो 8 बिस्वा तो है ये, जिसमें मेरा पूरा मकान है। हाँ। मेरा जो है उस दिन मेरी माता जी मर गई। हाँ। तो हम लोग दाह संस्कार वहाँ कर रहे थे, तो ये सब बुला करके यहाँ जो है फोटो कैमरा किए। हम लोग मलई हटा दिए थे, इसलिए हटा दिए थे कि यहाँ मिट्टी रखी जाएगी, 100-150-200 आदमी इकट्ठा होंगे, हटा देते हैं। हटा दिए थे तो लोग पूरा कर लिए। अब कहते हैं खाली जमीन थी, बोले खाली जमीन थी। जो है हमारा यहाँ सब कुछ रहता है, जानवर सब कुछ रहते हैं, हौदा चरही सब कुछ रहे, उठना बैठना सब है, इनके सारे जानवर है। और यहाँ पर जिस तरह से इनके पूर्वजों ने पेड़ पौधा लगाया है, तो यहाँ नाप हो रहा था, औरतें चिल्ला रही थी। मतलब जब आपके माता जी का दाह संस्कार हुआ था तो हो रहा था, तो यहाँ पर नाप जोक चालू था। हाँ भाई, यहाँ गाँव वाले बुला लें उनको ना, इस समय खाली है, खाली कर दिए हैं जमीन, आइए जो। हाँ, देख सकते हैं दर्शकों, जिस वक्त इनके इनकी माता जी का दाह संस्कार हो रहा था, उस वक्त ये जमीन की नाप करवा रहे थे, क्योंकि उस वक्त सारे लोग व्यस्त थे, उधर इस जमीन का नाप चल रहा था। सोचिए, क्योंकि ये लोग व्यस्त थे अपने काम में, मड़ई हटा दी गई थी। अब कहते हैं कि जमीन खाली थी, हमको खाली नहीं थी, मड़ई हटा दिए। पहले अभय प्रधान रहा, वो पहले लेके आए थे, नाप जो करा था, यहाँ का प्रधान मिट्टी में गया था, सब सदी बदी थी सबकी। अच्छा, मतलब यहाँ का वर्तमान प्रधान गया था, पूर्व प्रधान लेकर के चिता में आग लगी थी, हम लोग वहाँ दाह संस्कार कर रहे थे, यहाँ नाप हो रहा था। क्या नाम है आपका? गिरिराज वर्मा। क्या कहेंगे? ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये 45 साल से मुकदमा चल रहा है, बहुत पहले से 4-5 पीढ़ियाँ रह चुकी हैं। इसी की वजह से पिताजी मेरे डेथ हो गई, खत्म हो गए। 4 दिन वो लगातार उनको झटके आते रहे, ब्रेन हेमरेज की वजह से सदमा। मैं 4 रात नहीं सोया, मैं जागा, पिताजी हमारे थे। देखिए, इनके पिताजी थे जिनकी मौत हुई है ये खबर सुन करके कि यहाँ पर जो है कूड़ादान या पंचायत भवन बनेगा, वैसे ही इनके पिताजी क्या कहते हैं एक्सपायर कर गए। क्या कहेंगे इस तरह से पिताजी का जाना, कैसा लग रहा है? बहुत ख़राब लग रहा है। तो क्या आप जिस तरह से पिताजी का कहीं ना कहीं सुन करके मौत हुआ है इस ज़मीन के बारे में, तो क्या आप इस ज़मीन को पाने के लिए पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि बहुत गलत है। और पिताजी हमारे मरते वक्त भी इसका नाम लिए, तुबला के प्रधान का ही नाम लिए थे। अच्छा, मरते वक्त भी लिए थे? मरते इसका नाम लिए थे। देख सकते हैं जमीन का उनको छोड़ा नहीं, न छोड़ना, जमीन न छोड़ना। हम जो नहीं बोला, गलत कर रहा है मेरे साथ। हम जो हमसे पैसा मांग रहा था कि 5 लाख रुपया दे तो जमीन सुरक्षित हो। देख सकते हैं साहब, ये है, ऐसा है मामला। इस वक्त पूरा परिवार रो रहा है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, सारे लोग रो रहे हैं। क्या कहेंगी? जो SD जो नेकपाल कांगो आए थे, ये सब पैसा पाए, जो अब कह रहे कि आचार संहिता लगी, कोई काम नहीं होता, लेकिन लोगों का काम चालू है। अच्छा, नेकपाल भी आते, कांगो आए थे, कांगो कह जाओ जहाँ मेरे खिलाफ FIR करना है करो। देख सकते हैं ये लेखपाल कानून को साहब लोग किस तरह से बोल रहे हैं। क्या इनकी वाणी ऐसी होनी चाहिए? एक पदा जो है सरकारी कर्मचारी की, सरकारी अधिकारियों का जो है जुबान से ऐसा शब्द निकलना चाहिए? नहीं। लेकिन हकीकत तो ये है ना साहब, जाति हो सकता है बड़ी जाति के हों, लेखपाल कानून को बड़ी जाति के होने की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि बेचारे दलित हैं, चमार जाति से आते हैं। इस वजह से हम कहेंगे कि इस मामले की अच्छे से जांच होनी चाहिए, और अगर इनका कब्जा वर्षों से है यहाँ इस ज़मीन पर, और जिस तरह से आप देख ही लीजिए, देखने से देखने, अच्छा विचाराधीन है और न्यायालय मामला, जब न्यायालय में ADM City यहाँ विचाराधीन भी है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बावजूद यहाँ पर आप कैसे काम लगवा सकते हैं, जब कैसे नाप जोक करा सकते हैं, जब मामला विचाराधीन है न्यायालय में तो नहीं करा सकते। और सोचिए, अगर यहाँ पर कोई काम लगवाया जाता है, और यहाँ पर जो हरे भरे पेड़ है, दिखाइए हरे भरे पेड़, ये बड़े बड़े विशाल का पेड़, महुआ के पेड़, नीम के पेड़, अगर काटे जाते हैं तो जो
भी अगर काटेगा और जो कटवाएगा उन लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं हत्या का मुकदमा जो है दर्ज होना चाहिए, मैं यही कहूँगा। क्योंकि इनके पूर्वजों ने इन पेड़ों का जो है देखभाल किया है, पाला है, पोसा है, तब जाकर के आज यहाँ पर जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पर इतना छाया है। और देखिए यहाँ पर छोटे छोटे नीम के पेड़ अभी भी ये लोग लगाए हैं, उसके बावजूद ऐसा कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि इस मामले पर कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो कानूनगो, लेखपाल, बड़े बड़े अधिकारी इनके साथ अभद्रता कर रहे हैं आकर के, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। उनकी भी कहीं ना कहीं अगर वो गलत हैं, अगर ज़बरदस्ती आकर यहाँ पर कर रहे हैं, आचार संहिता लगा है उसके बाद, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है उनको जो है बर्खास्तगी उनकी तय की जानी चाहिए, उनको सस्पेंड उन अधिकारियों को किया जाना चाहिए। बाकी बने रहिए राज रावत के साथ, बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।